Lewis, Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." तमिलनाडु के थुलुसेंद्रपुरम में जश्न मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजियाँ हो रही हैं। यहाँ के लोगों के लिए यह मौका दिवाली से कम नहीं है, और कम हो भी क्यों, क्योंकि सफलता ही इतनी बड़ी है जिसके सामने सब कुछ छोटा है। शायद आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि क्या है पूरा मामला। वैसे अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई है, और यह भी पहली बार होगा कि जब भारतीय मूल का कोई शख्स अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनेगा। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। वो भारतीय मूल की है, यहाँ तक कि कमला हैरिस खुद को आदि भारतीय मानती हैं। उन्हें यह कहलाने में कभी कोई हिचक नहीं हुई कि उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। वो टिपिकल साउथ इंडियन की तरह ही मसाला डोसा और इडली खाना पसंद करती हैं। वो लगातार भारत आती रही हैं और उनके तमाम नज़दीकी रिश्तेदार भारत में ही रहते हैं। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कमला हैरिस की भारतीय कनेक्शन पर। शुरुआत कमला हैरिस के नाना से, जो चेन्नई के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका नाम पीवी गोपालन था। वो भारतीय लोक सेवा में अधिकारी थे। उन्होंने जाम्बिया में भी सरकार के लिए सेवाएं दी। यह पीवी गोपालन की बड़ी बेटी श्यामला है, जो अमेरिका में पढ़ाई के लिए गई थी। कमला हैरिस श्यामला की ही बेटी है। कमला हैरिस की माँ श्यामला कैंसर के क्षेत्र में वैज्ञानिक थी। पिता डोनाल्ड हैरिस जमैकन निवासी थे। कमला का जन्म अमेरिका में हुआ, हालांकि बाद में माता पिता में तलाक हो गया। परिवार में हमेशा भारतीय संस्कारों की प्रधानता रही। यह संस्कार कमला में भी गहरे तक आए। कमला आमतौर पर खुद के भारतीय मूल का होने के कारण गर्व करती हैं। उन्होंने इसे कभी छिपाने की कोशिश नहीं की। कमला के मुताबिक उनके नाना गोपालन एक जिंदा दिल और तरक्की पसंद व्यक्ति थे। कमला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे नाना दुनिया में मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्तियों में से एक रहे। कमला जब 4 से 5 साल की बच्ची थी, तब उनके पेरेंट्स कुछ समय के लिए जाम्बिया शिफ्ट हुए, जहां कमला के नाना गोपालन भी उस वक्त पोस्टेड थे। नाना के साथ उस समय की यादों को भी कमला जीवन के शुरुआती सबक के तौर पर देखती है। कमला कहती है, मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल, जो भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमला ने 2011 में बैंकिंग सेक्टर में आए बदलाव के कारण बेघर हुए लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए मुहिम चलाई थी। उसके बाद वे राष्ट्रीय चेहरा बन गई। वहीं 2015 में जब वो सीनेट के लिए चुनी गई, उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपने अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन पार्टी में प्रेसिडेंट नॉमिनेशन की बाजी जो बाइडेन के हाथ लगी। बाद में बाइडेन ने ही उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे किया। वो उनके काम से बहुत प्रभावित थे। कमला हैरिस ने 2014 में वकील डगलस एम हॉप से शादी की। इसमें उन्होंने भारतीय और यहूदी दोनों परंपराएं निभाई। कमला ने डगलस को फूलों की माला पहनाई, जबकि डगलस ने यहूदी परंपरा के तहत पैर से कांच तोड़ी। कमला 3 किताबें लिख चुकी हैं, जिसमें 2 नॉन फिक्शन और 1 बच्चों की किताब है।